हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। 5 आपका दिया है, इसे आपको प्रूव करना है 2ABCPQRXYZ। इसकी सहायता से आपको प्रूव करके लाना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर दिया गया और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे ये लाएंगे। तो यहाँ पे हमें बाहर 2 लाना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, R1 tan 2 R1 plus R2 plus R3, यानी कि R1 में जो है R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 plus R2 R3 के द्वारा, यानी कि ये आपकी पहली पंक्ति में चेंजिंग होगा लेकिन R1 plus R2 plus R3। तो ये देखेंगे, एक मैं करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, B plus C R1 है, प्लस C plus A R2 है और प्लस ए प्लस बी। ध्यान देंगे क्योंकि हम R1 plus R2 plus क्या कर रहे हैं, R3, तो ये तीनों आपस में ऐड होगा, फिर ये तीनों आपस में ऐड होगा, ये तीनों, और लिखा कहाँ जाएगा, R1 में लिखा जाएगा। तो B और B ये प्लस है, तो ध्यान दें ए और ए क्या लिख सकते हैं, 2 बार A, B और B प्लस B, C और C 2C। तो ध्यान दीजिए, ए और ए हुआ है तो 2A, B और B 2B और C और T C 2C होगा, तो बाहर हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2A plus B plus C। इन सबको भी देखेंगे तो Q और Q 2Q R और R 2R P और P, तो बाहर यहाँ भी कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, P plus Q plus R, क्रम से लिख दे रहा है। यहाँ भी जब 2 आप कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 2 जब कॉमन करोगे तो X plus Y plus Z, नीचे बचा आपका C plus A A plus B R plus P P plus Q Z plus X और X plus क्या हो जाएगा, Y। सब में देखिए 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन है तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या आपका A plus B plus C P plus Q plus R X plus Y plus Z। बाकी जो एलिमेंट बचे थे उनको वैसे ही क्या करेंगे, लिख देंगे R plus P P plus Q Z plus X और आपका क्या बचा हुआ है, Z plus X X plus Y। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला में हमने क्या किया है कि R1 में चेंजिंग किया, R1 R2 R3 को ऐड किया है तो ये मिला है। अब सब में 2 था तो बताया गया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन हो तो आप उसे ले सकते हो। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में यानी R1 में 2 कॉमन था तो इसे बाहर ले लिया गया है। अब आगे क्या हो रहा है, आगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम चेंजिंग कर रहे हैं R1 tan 2 R1 minus R2 and R3 में हम चेंजिंग कर रहे हैं R3 minus R1। ठीक है, तो 2 काम यहाँ पे होगा, R1 और R3 में चेंजिंग होगा। R1 में से R2 को घटा रहे हैं और R3 में से किसको घटा रहे हैं, R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किस में चेंजिंग होगा, R1 और R3। बाहर ऐसे 2 लिखते रहेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें 2 लाना है। ध्यान देंगे R1 minus R2, तो A plus B plus C minus C minus A, तो ध्यान देंगे C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से A plus B plus, एरफ वर्क भी आप देख लें, A plus B plus C और -C -A, क्योंकि जब माइनस करेंगे साइन चेंज होगा तो A से A कट जाएगा, C से C, क्या बचेगा B, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, B। इसी प्रकार से RP समाप्त हो जाएगा क्योंकि R1 minus R2 करें तो R से R और P से P, तो यहाँ पे क्या बचा, Q, और यहाँ पे Z plus X, यानी Z और X छूट जाएगा, यहाँ पे Y बचेगा। फिर क्या कर रहे हैं, R2 में कोई चेंजिंग नहीं तो इसे लिख देंगे C plus A R plus P और Z plus X। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें, A plus B है और A plus B plus C, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, R3 minus R1 कर रहे हैं तो A plus B minus A minus B minus C, तो इसको ऐसे भी कर लीजिए, R1 minus R3 कर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखो, अब A plus B plus C में से A minus B निकालना, तो A minus B निकलेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, C बच जाएगा। फिर इसी प्रकार से P plus Q plus R में से P plus Q निकालना है, तो P plus Q निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R बच जाएगा,
और फिर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई निकाल लोगे, x प्लस वाई, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, z। ठीक है, इतना काम हो गया। तो हमारी दो लाइन आ चुका है, बी क्यू वाई आ चुका है और सी आर जेड आ चुका है, यानी इसी में से c को और फिर इसमें से r को और इसमें से किसको आपको हटाना है, इसमें से आपको हटा देना है z को। तो देखेंगे c प्लस ए में से c को सबट्रैक्ट करें तो a बचेगा, r प्लस पी में से r को, यानी कि फाइनली आपको क्या कर देना है, r2 tan 2 r2 माइनस क्या कर दीजिए, r2 माइनस कर दीजिए r3, तो ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब ये यूज करेंगे तो बाहर 2 रखेंगे और r1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो b q y ध्यान देंगे, r2 माइनस r3, तो c प्लस a माइनस c, तो यहाँ पे a बचेगा, r प्लस पी माइनस आर, तो क्या बचेगा, p, z प्लस एक्स माइनस जेड, तो a बचेगा x, और बाकी c r z, ये तो है ही। अब हम क्या कर रहे हैं कि r1 और r2 को आपस में रिप्लेस कर दे रहे हैं, r1 और r2 को आपस में क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो जब इसे रिप्लेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2, और ध्यान दीजिए r2 r1 के पास जाएगा, तो a आपका हो गया a p और x, और फिर r1 r2 में तो b q y, क्या हो जाएगा, b q y, बाकी c प्लस c r और क्या था, z था, और यही हमें राइट हैंड साइड क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए इंडिक्रीन पे जो दे रहा है वीडियो उसे प्ले करें और देखें। धन्यवाद।